साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक नया प्ले जूलियस सीजर। अगर हम इस जूलियस सीजर की बात करते हैं तो ये जूलियस सीजर जो है वो एक रोमन प्ले है, अर्थात रोमन प्ले की कैटेगरी में इसको रखा गया है और ये एक ट्रेजडी है दोस्तों। हम इसको ये भी कह सकते हैं रोमन ट्रेजडी। क्या कह सकते हैं दोस्तों? ये एक रोमन ट्रेजडी प्ले है। और इसके अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कि ये कब पहली बार ग्लोब थिएटर में कब परफॉर्म किया गया था, तो 1599 में इसको परफॉर्म किया गया था। तो इसके कुछ की फैक्ट्स को अब हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से की फैक्ट्स हैं। जहां से हमारे TGT PGT के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस को पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? जूलियस सीजर का पूरा नाम है द ट्रेजडी ऑफ जूलियस सीजर। क्या नाम है इसका पूरा नाम? द ट्रेजडी ऑफ जूलियस सीजर। ये क्या है? एक ट्रेजडी है। और इसको किस कैटेगरी में है? यानी कि ये एक रोमन प्ले है दोस्तों। ओके, रोमन ट्रेजडी है इनकी, विलियम शेक्सपियर की। दूसरा, हम की फैक्ट्स की बात करते हैं कि फर्स्ट परफॉर्मेंस इन ग्लोब थिएटर इन 1599, यानी कि 1599 में पहली बार ग्लोब थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था, 1599 to 1616। ओके, नेक्स्ट, पब्लिश्ड इन, और इसको पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो 1623 में, यानी कि 1623 के में इसको पब्लिश करवाया गया था फर्स्ट फोलियो में। इसकी सेटिंग दिखाई जाती है वो रोम की है, और ये पूरा का पूरा नाटक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, अर्थात ये पूरा रोमन प्ले जो है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरा नाम क्या है। ओके, ट्रेजडी ऑफ जूलियस सीजर, ये एक ट्रेजडी है और इसको रोमन प्ले की कैटेगरी में रखा गया है। पहली बार ग्लोब थिएटर में 1599 में इसको परफॉर्म किया गया था, पब्लिश हुआ फर्स्ट फोलियो 1623 में, और इसकी सेटिंग दिखाई जाती है रोम में, और ये इनका जो प्ले है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। इसके सोर्स की बात करते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमारा सोर्स पूछ लिया जाता है कि जूलियस सीजर का सोर्स क्या है। सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लूटार्क लिप्स इसका क्या है? सोर्स है। और इसकी सेटिंग दोस्तों कहाँ दिखाई जाती है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, रोम, यानी कि सार्डिस नियर फिलिप्पी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ मेन कैरेक्टर की। अगर हम द कैरेक्टर इन द प्ले की, प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, नाटक के पात्र कौन कौन से हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं सभी पात्रों को बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, जरा समझिए कौन कौन से पात्र जो हैं इसमें क्लियर हैं। अगर हम बात करेंगे तो नियर अबाउट हम 33 कैरेक्टर्स की बात करेंगे, 33 पात्रों का इस नाटक में हम जिक्र करेंगे आपको। तो सबसे पहला हमारा जो पात्र है वो कौन है? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो होता है वो एक रोम राज्य का प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय जनरल दिखाया जाता है। जूलियस सीजर कौन दिखाया जाता है? रोम राज्य का प्रसिद्ध व लोकप्रिय जनरल दिखाया जाता है। कैलिफोर्निया की बात करते हैं तो जो कैलिफोर्निया है दोस्तों वो जूलियस सीजर की पत्नी दिखाई जाती है। तो ये दूसरा मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हम मार्कस ब्रूटस की बात करते हैं तो जो मार्कस ब्रूटस है वो एक अच्छा व्यक्ति दिखाया जाता है, जिसका रोम के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अर्थात रोम राज्य का लोकप्रिय और सम्मानित नागरिक दिखाया जाता है। दूसरा हम कायस, यानी कि कैटस कैसियस की बात करते हैं, जो कि सीजर का विरोधी होता है। कैटस कैसियस कौन दिखाया जाता है? सीजर का विरोधी। तो कैरेक्टर को इतना अच्छे से तैयार करके जाइएगा जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि हमारे TGT PGT के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीपली कुछ नहीं पूछा जाता है। सोर्स पूछ लेंगे, पब्लिकेशन डेट पूछ लेंगे, और प्ले के अंदर कैरेक्टर को पूछ लेंगे दोस्तों कि ये कैरेक्टर कौन से प्ले का है। तो अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और पाँचवा कैरेक्टर जिसकी हम जिक्र करेंगे, कास्का। कास्का जो है वो सीजर का विरोधी दिखाया जाता है, और सीजर पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति भी कौन होता है? वो भी कास्का ही होता है दोस्तों। तो अगर कास्का के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप तुरंत बताओगे कि जो सीजर का विरोधी है और सीजर पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला व्यक्ति भी कौन होता है? वो भी कास्का ही होता है। अगला हम बात करेंगे 6 नंबर कैरेक्टर की। जो 6 कैरेक्टर है वो है ट्रेबोनियस। ट्रेबोनियस एक षड्यंत्रकारी दिखाया जाता है,
डीसीएस ब्रूटस भी एक षड्यंत्रकारी दिखाया जाता है। डीसीएस ब्रूटस भी क्या दिखाया जाता है, एक षड्यंत्रकारी होता है। अब अगर हम बात करें ओके मेटेलस सिम्बर की बात करते हैं, तो मेटेलस सिम्बर भी षड्यंत्रकारी है और सिन्ना भी क्या है, एक षड्यंत्रकारी है। ओके कैटस लिगारियस भी एक षड्यंत्रकारी दिखाया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि षड्यंत्रकारी कितने हैं, कितने सारे षड्यंत्रकारी, चार षड्यंत्रकारी का जिक्र किया है। ओके कौन कौन से, डेसियस ब्रूटस, ओके इसके बाद में मेटेलस सिम्बर, सिन्ना और कैटस लिगारियस, ये चारों षड्यंत्रकारी होते हैं। ये चारों कौन होते हैं, षड्यंत्रकारी दिखाए जाते हैं। अगला हम बात करेंगे ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस सीजर की। ये जो ऑक्टेवियस सीजर होता है वो जूलियस सीजर का भतीजा दिखाया जाता है और उसका उत्तराधिकारी होता है दोस्तों। इसके बाद अगला नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा जो है वो मार्क एंटनी है। कौन है, मार्क एंटनी। ये जो मार्क एंटनी होता है वो जूलियस सीजर का सच्चा पक्का अच्छा प्यारा सुंदर दोस्त दिखाया जाता है। इसके बाद लिपिडस की बात करते हैं, तो जो लिपिडस है वो ऑक्टेवियस सीजर और एंटनी का सहयोगी दिखाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्क एंटनी और लिपिडस दोनों क्या हैं, सहयोगी हैं सीजर। ऑक्टेवियस सीजर का सहयोगी कौन है, लिपिडस, और एंटोनी मार्क एंटनी का भी सहयोगी कौन है, लिपिडस है। यानी कि ये ऑक्टेवियस सीजर और मार्क एंटोनी दोनों का सहयोगी कौन दिखाया जाता है, लिपिडस। इसके बाद सिसरो की बात करते हैं, सिसरो सीनेट का सदस्य होता है। सिसरो और पवलियस, सिसरो और पवलियस ये दोनों ही सीनेट के सदस्य दिखाए जाते हैं इस रोमन प्ले में। इसके बाद में पोपलियस लेना की बात करेंगे, तो जो पोपलियस लेना है वो एक जनप्रतिनिधि दिखाई जाती है। इसके बाद फ्लेवियस जो है वो भी एक जनप्रतिनिधि है। ओके तो दो जनप्रतिनिधि की हमने बात कर ली, कौन कौन सी, यानी कि फ्लेवियस की बात, ये तीन आपके जनप्रतिनिधि दिखाए जाएंगे। कौन कौन से, एक तो हम बात करेंगे पोपलियस लेना की, दूसरा बात करेंगे फ्लेवियस की और तीसरी बात करेंगे मेरुलस की। यानी कि कौन कौन, फिर से रिपीट कर देते हैं, जनप्रतिनिधि कौन कौन है, यानी कि पोपलियस लेना, फ्लेवियस और मेरुलस, ये तीन जो हैं वो जनप्रतिनिधि दिखाए जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं ल्यूसलियस, जो ल्यूसलियस है यानी कि ल्यूसलियस वो ब्रूटस और कैसियस का मित्र दिखाया जाता है। मैसेला जो है वो कैसियस का मित्र और उसकी सेना का जनरल होता है। यानी कि जो कैसियस होता है, कैसियस का मित्र कौन दिखाया जाता है, मैसेला दिखाया जाता है और उसकी कैसियस की सेना का जनरल भी दिखाया जाता है। इसके बाद हम कुछ कैरेक्टर की बात करेंगे जो कि ब्रूटस और कैसियस के मित्र हैं। देखो यंग कैटो, फिर रिपीट करता हूँ कौन कौन, यहाँ से शुरुआत करते हैं यंग कैटो से। तो यंग कैटो नंबर एक, दूसरा वॉल्यूमिनस यानी कि वॉल्यूमिनस, ब्रूटस और कैसियस का ये भी दोस्त दिखाया जाता है। और कौन दिखाया जाता है, टिटिनियस और बैरो, टिटिनियस और बैरो, टिटिनियस और ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों जो हैं वो ब्रूटस और कैसियस के दोस्त दिखाए जाते हैं। तो अब समझ आ गया कौन कौन जो हैं ब्रूटस और कैसियस के दोस्त दिखाए जाते हैं। एक तो यंग कैटो, दूसरा वॉल्यूमिनस वॉल्यूमिनस और तीसरा टिटिनियस और चौथा बैरो। ओके ये जो हैं वो ब्रूटस और कैसियस के दोस्त दिखाए जाते हैं, ओके फ्रेंड दिखाए जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं क्लाइड्स की बात करेंगे। ओके ये जो क्लाइड्स होता है 25 नंबर पे जिसको आप देख रहे होंगे, क्लाइड्स ये ब्रूटस के सेवक होते हैं। कौन होते हैं, ब्रूटस के सेवक, कौन कौन, क्लाइड्स और दूसरा क्लाइडियस। देखो क्लाइड्स और क्लाइडियस दोनों अलग अलग हैं, क्लाइड्स क्लाइडियस
और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो डार्डेनियस, क्या है डार्डेनियस, यानी कि डार्डेनियस, ये डार्डेनियस, क्लाउडियस और ये सभी क्या दिखाए जाते हैं, ब्रूटस के सेवक दिखाए जाते हैं। कौन? ब्रूटस के सेवक, ये कुछ भी नहीं है। इसे भाई कट कर दो इसे। हाँ, ये सभी, ये तीनों बन क्लाइटस, क्लाइडियस, डार्डेनियस, ये तीनों किसके सेवक हैं, ब्रूटस के सेवक हैं। इसके बाद हम 28 नंबर के कैरेक्टर की बात करेंगे, तो ये ब्रूटस की पत्नी दिखाई जाती है। ओके, पोर्सिया कौन दिखाई जाती है, ब्रूटस की पत्नी दिखाई जाती है। फिर आर्टिमिडोरस, कौन आर्टिमिडोरस, जो आर्टिमिडोरस है वो अलंकार शास्त्र का अध्यापक और सीजर का बहुत बड़ा प्रशंसक होता है। कौन? आर्टिमिडोरस, आर्टिमिडोरस अलंकार शास्त्र का अध्यापक है और सीजर का प्रशंसक दिखाया जाता है। सिन्ना एक कवि दिखाया जाता है। दूसरा पिंडारस, कैसियस का स्वामी भक्त दिखाया जाता है। ल्यूसियस ब्रूटस का सेवक दिखाया जाता है। और स्टैरटो, स्ट्रैटो जो है ये भी ब्रूटस का सेवक होता है। तो अब आपको पता लग गया होगा ब्रूटस के सेवक कितने हैं, ब्रूटस के कितने सेवक हैं। पहला, पहले तीन का नाम लिया था हमने, ओके, क्लाइटस, क्लाइडियस, डार्डेनियस, ये तीन पहले बताए थे और दो बाद में हमने बताए हैं ब्रूटस के, ल्यूसियस और स्टैरटो। ये पांचों जो हैं वो ब्रूटस के सेवक दिखाए जाते हैं। दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर मार्कस ब्रूटस की, यानी कि जो मार्कस ब्रूटस को नाटक में प्रायः ब्रूटस नाम से तथा डेसियस ब्रूटस को प्रायः डेसियस यानी कि डेसियस के नाम से संबोधित किया गया है, ये सभी ब्रूटस के सेवक हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ये यहाँ पर बाई मिस्टेक आ गया, ब्रूटस के सेवक, ये कट है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया, इसे रफ कर दीजिए। यानी कि फिर रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए आपको। मार्कस ब्रूटस, यहाँ पे बता दिया है कि पूरा का पूरा जो हम स्टोरी डिस्कस करेंगे उसमें मार्कस ब्रूटस को प्रायः हम ब्रूटस नाम से पुकारेंगे और डेसियस ब्रूटस को हम डेसियस या डेसियस के नाम से संबोधित करेंगे, और ये कुछ भी नहीं है। तो अब क्लियर हो रहा है आपको, शायद मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक बार, क्योंकि अगर किसी प्ले से कोई चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो है कैरेक्टर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ज़्यादातर हमारे कैरेक्टर के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा ये कैरेक्टर कौन से प्ले से बिलोंग करता है। तो एक बार फिर से ज़रा रिविजन कर लेते हैं एक मिनट के लिए। की फैक्ट्स में ट्रेजडी ऑफ जूलियस सीजर, ट्रेजडी, ओके, फर्स्ट परफॉर्मेंस इन ग्लोब थिएटर का 1599 में पब्लिश हुआ, फर्स्ट फोलियो 1623 में, सेटिंग कहाँ है, रोम में। इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जूलियस सीजर है, ऑक्टेवियस सीजर है, मार्क एंटोनी दिखाया जाता है, लिपिडस, ओके, ये सभी, ये तीनों जो है आफ्टर सीजर, ये जो लिखा है ट्रेम्बियर्स, ट्रेम्बियर्स का मतलब होता है तिगड़ी, तिगड़ी का मतलब होता है तीनों लोगों का राज, यानी कि तीन ही व्यक्तियों का राज हो जहाँ पर वो, उसे कहा जाता है। अगला हम बात करेंगे मार्कस ब्रूटस की, कैसियस की, कास्का, डेसियस, सिन्ना, ओके, मेटेलस, सिम्बर और ट्रेबुनस, ये सभी कॉन्स्पायरेटर्स दिखाए जाते हैं अगेंस्ट सीजर्स, यानी कि सीजर के विरुद्ध जो है षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पायरेटर दिखाए जाते हैं, षड्यंत्रकारी दिखाए जाते हैं, ये हमेशा, ये जितने भी कैरेक्टर हैं जिनका हमने जिक्र किया, ये सभी कैरेक्टर जो हैं वो किसके, सीजर के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। अगला हम बात करेंगे कैल्पोनिया की, तो कैल्पोनिया जो है वो सीजर की वाइफ दिखाई जाती है। पोर्सिया जो है वो ब्रूटस की वाइफ दिखाई जाती है, तो कैल्पोनिया सीजर की पत्नी और पोर्सिया ब्रूटस की पत्नी है।
सिन्ना जो है वो पोएट दिखाया जाता है और पीजीटी 2009 में ये पूछा भी गया है। इसके बाद में पिंडारस जो होता है वो पिंडारस कौन दिखाया जाता है, कैसियस का एक स्वामी भक्त दिखाया जाता है, बॉन्डमैन दिखाया जाता है कैसियस का। तो बॉन्डमैन क्या है, स्वामी भक्त। अब तो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ फेमस स्पीच के बारे में कि जूलियस सीजर में कौन कौन से फेमस स्पीच हैं और ये स्पीच बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अगर हम इनके फेमस स्पीच की बात करते हैं तो देखो ये पहला ही स्पीच मैंने ऐसा लिया है जो कि टीजीटी 2003 में पूछा गया है। अब इसका मीनिंग समझिए, कभी नहीं बुला पाओगे इस स्पीच को। उन्होंने क्या कहा, पहले स्पीच में कहते हैं मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेथ, यानी कि आदमी जो है वो कभी कभी अपने भाग्य का विधाता स्वयं होता है। अब ये स्पीच डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, दोष, यानी कि डिफॉल्ट डियर ब्रूटस, डिफॉल्ट डियर ब्रूटस, प्रिय ब्रूटस, दोष इज नॉट इन आवर स्टार्स। अब इसके पूरी लाइन का मीनिंग समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, यानी कि प्रिय ब्रूटस दोष सितारों का नहीं होता है, दोष सितारों का नहीं होता है, फॉल्ट सितारों का नहीं होता है। फिर क्या कहता है, बट लेकिन इन आवर सेल्फ डेट वी आर अंडरलिंग्स, दोस्त तो वास्तव में हमारे भीतर ही है, दोस्त तो वास्तव में हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, हमारे भीतर ही है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट की हिंदी मीनिंग क्या हुई, प्रिय ब्रूटस दोस्त सितारों का नहीं होता है, दोस्त फॉल्ट तो हमारे वास्तव में हमारे भीतर ही है जो अंदर छुपा हुआ है। और ये स्टेटमेंट ब्रूटस को भड़काने के लिए कैसियस बोलता है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया, तो कैसियस के द्वारा बोला गया। किसके लिए बोला गया, तो ये स्टेटमेंट जो है किसके लिए बोला गया था, ब्रूटस को भड़काने के लिए। कहाँ बोला गया, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में, और ये टीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है। तो पहला स्पीच क्लियर हुआ। अब हम एक दूसरे स्पीच की बात करते हैं और ये स्पीच आपकी पूछी गई है टीजीटी 2003 में। टीजीटी के 2003 में कॉवर्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, उन्होंने क्या कि कॉवर्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले जीवन में कई बार मर लेते हैं, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले जीवन में कई बार मर लेते हैं, द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तब उन्होंने क्या कहा, वीर पुरुष मृत्यु का स्वाद जीवन में केवल एक बार ही चखते हैं, बट वंस केवल एक बार ही। तो वीर पुरुष द वैलेंट, ओके, वीर पुरुष जो वीर पुरुष मृत्यु का स्वाद जीवन में केवल एक बार ही चखते हैं। और ये रिमार्क जो है किसने किया और क्यों किया, ये चीज समझिएगा। अगर मैं इस कथन की बात करते हैं तो ये कथन सीजर द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है दोस्तों, सीजर के द्वारा। कब बोला जाता है, एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में। एक को ए आपका स्टेटमेंट पूछा गया। अब इसके बारे जरा थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में। देखो एक एक स्टेटमेंट को मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, कहीं पर भी नोट डाउन करते चलिएगा। ये सीजर के द्वारा नाटक के द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य में कहा गया है। और सीजर ये कब कहा जाता है, इसके पीछे का जो रीजन होता है, सीजर की पत्नी होती है कैलिफोर्निया, और इसका पति जो है, जो सीजर होता है, वो सभा भवन में जाना चाहता है, लेकिन इसकी जो पत्नी कैलिफोर्निया होती है वो अपने पति से सभा भवन में ना जाने के लिए प्रार्थना करती है। वह उसे बताती है कि वहाँ उसके जीवन को बहुत बड़ा खतरा है, अगर तुम सभा भवन में गए तो तुम मारे जाओगे, ओके। तो वहाँ पर सीजर उत्तर देता है कि वह बिना किसी भय के सभा भवन में अवश्य जाएगा, वह कोई कायर नहीं है। और इसके बाद इस कथन का उपयुक्त यूज करता है, तब वो अपनी पत्नी से ये बात कहता है, कायर लोग अपनी मृत्यु
से पहले जीवन में कई बार मर लेते हैं और वीर पुरुष मृत्यु का स्वाद जीवन में केवल एक बार ही चखते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, अगर हम एक और रिमार्क की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रिमार्क जो किया गया है वो भी सीजर के द्वारा किया गया है और ये भी रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं। वेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, देखो इसका मतलब क्या हुआ, वेन बेगर्स डाई, कायरों की बेगर्स डाई, यहां पर बेगर्स से मतलब यहां पे कायरों का मीनिंग निकालोगे, कायरों से भिखारी नहीं, ओके। तो समझो कायरों की मृत्यु पर आकाश में कोई पुच्छल तारा दिखाई नहीं देता, जब कोई कायर मरता है तो देयर इज नो कॉमेट सीन, कोई पुच्छल तारा दिखाई नहीं देता, जब कोई कायर मरता है तो कोई भी आकाश में कोई पुच्छल तारा दिखाई नहीं देता, कायरों की मृत्यु पर आकाश में कोई पुच्छल तारा दिखाई नहीं देता, बट लेकिन अगर हम बात करें द हैवेंस देम सेल्फ ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस, अर्थ को समझिएगा, द डेथ ऑफ प्रिंसेस, लेकिन राजकुमारी राजकुमारों की मृत्यु पर पूरा आकाश लाल हो जाता है, दी हैविन देम सेल्फ ब्लेज फोर्थ का मतलब लाल हो जाना, जलने लगना, ओके, आग की तरह। तो यहाँ पे कहा कि जब किसी कायर की मृत्यु होती है, कायरों की मृत्यु पर आकाश में कोई पुच्छल तारा दिखाई नहीं देता, लेकिन राजकुमारों की मृत्यु पर पूरा का पूरा आकाश लाल हो जाता है। ये सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया की ये टिप्पणी थी कि क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, भयग्रस्त थी, उसने स्वप्न में कुछ बहुत ही भयानक दृश्यों को देखा था जो कि सीजर के जीवन पर खतरे के साइन थे, ओके, चिन्हित यानी कि घोतक थे, प्रतीक थे। तो कुछ वहीं पर जो है ये बोले जाते हैं एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में। और दोस्तों ये जो यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करने को रह गया, ये सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया की टिप्पणी है, वाइफ ऑफ सीजर का डायलॉग है ये, ध्यान रखिएगा। अगला देखो कमेंट क्या है, नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं पांचवा, इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर, क्या लिखा, इट टू ब्रूट, अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर एंड यू आल्सो ब्रूटस देन आई मस्ट डाई, ओके, एंड व्हेन एंड व्हाई इट वाज स्पोकन, माय क्वेश्चन इज दिस, यानी कि तुम भी ब्रूटस, इसका मतलब क्या हुआ, इट टू ब्रूटस इसका अर्थ हुआ तुम भी ब्रूटस, हिंदी लिख लो कहीं पर, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि तुम भी ब्रूटस, तब तो मेरा मरना ही उचित है, देन फॉल सीजर, तब तो मेरा मरना ही उचित है, ये शब्द किसने कहे और कब कहे गए ये आपको बताना है दोस्तों, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक्ट थर्ड में कहा जाता है, और जो एक्ट तृतीय अंक होता है, एक्ट थर्ड होता है, उसका सीन फर्स्ट होता है। ये सीजर का दोस्तों स्टेटमेंट है, और सीजर कहता है, क्या कहता है, सीजर विश्वास करता है कि ब्रूटस उसका परम और सज्जन मित्र कभी भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होगा, अतः जब सीजर ब्रूटस को अपने ऊपर आक्रमण करते हुए देखता है, पाता है, तो वह इन शब्दों को जो है प्रयोग करता है कि तुम भी ब्रूटस, अब तो मेरा मरना ही उचित है, और ये बोलते हुए यहाँ पर जो सीजर होता है वो अपने प्राण त्याग देता है। मुझे लग रहा है समझ अच्छे से आ रहा होगा दोस्तों, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा साथियों, हम कोशिश यही करते हैं कि आपको सरल से सरल लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को बताते चलें। बाकी नेक्स्ट, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स आई कम टू बरी सीजर। तो देखो यहां पे क्या है कहानी, अब इस स्पीच में देखो, रोमन फ्रेंड्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स,
उन्होंने क्या कहा, दोस्तों रोमन देशवासियों मुझे अपने कान उधार दे दो, मुझे अपने काम अर्थात मुझे ध्यान से सुनो, आई कम टू बरी सीजर, मैं सीजर को दफनाने के लिए आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने के लिए नहीं, नॉट टू प्रेज हिम, उसकी प्रशंसा करने के लिए नहीं, मैं उसको दफनाने के लिए आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने के लिए नहीं, द एबिल बुराई, वह बुराई, डैट मैन, जो आदमी डू लिव्स आफ्टर देम, उसने कहा कि पुरुषों को उनके बाद रहने वाली बुराई जो है वो अब नहीं रहेगी, द एबिल डैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, उसके बाद भी रहेगी। अब उन्होंने क्या करा, अच्छा है कि उसकी हड्डियों के साथ अंतरात्मा का हस्तक्षेप होता है, यानी कि द गुड टू ऑफ्ट इंटर्ड ओके विद देयर बोन्स। और ये जो स्टेटमेंट है वो एंटोनी के द्वारा बोला जाता है एक्ट थर्ड में, एंटोनी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट स्पीच हमारी, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माई टीयट। देखो ए बी TGT 2003 में पूछा गया, इसलिए बहुत प्यार से समझाऊंगा, इसका मतलब समझिएगा। ए बी स्पीच ब्रूटस द्वारा बोला गया एक्ट फिफ्थ और सीन थर्ड में। क्या बोला गया है इसको जरा समझिए, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माई टीयट, ओ जूलियस सीजर तू अब भी शक्तशाली हो, तुम अब भी शक्तशाली हो ओके, तुम्हारी प्रेतात्मा चारों ओर विचरण करती रहती है और हमारी तलवारों को हमारे ही अतड़ियों में घुसा देती है। ये दोस्तों पूरा स्टेटमेंट है इनका ओके, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माई टीयट, ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, अपने फिंगर ऑन टिप्स होना चाहिए आपके लिए ये स्टेटमेंट ओके। अरे जूलियस सीजर तुम अब भी बहुत शक्तिशाली हो ओके, दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये उन सभी रोमन वासियों में सबसे श्रेष्ठ है, एंटनी बोलता है एक्ट पांच और सीन फिफ्थ में। दोस्तों कौन कहता है, एंटनी कहता है और ए बी टी जी टी 2001 में पूछा गया है, ए बी टी जी टी 2001 में पूछा गया है। दोस्तों क्लियर है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो है इसके प्रसिद्ध जो स्पीच थे वो कौन कौन से थे। अभी पांच छह स्पीच का जिक्र और करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन इससे पहले तुम एक फेमस सीन देख लो कि इसका प्रसिद्ध सीन कौन सा है इस पूरी प्ले में। अगर हम इसके फेमस सीन की बात करते हैं तो जो सीजर्स का असेसिनेशन दिखाया जाता है और एंटोनियोस का फनरल ओरेशन सीन जो है और बैटल सीन, एक दो और तीन, ये जो तीन सीन हैं वो बड़े ही फेमस हैं इसके, सीजर्स असेसिनेशन, एंटोनियोज फ्यूनरल ओके ओरेशन सीन, और दूसरा कौन सा सीन है, बैटल सीन। ये तीन सीन इसके प्रसिद्ध हैं, कहीं पर लिख लीजिएगा कोई तुमसे पूछे कि जूलियस सीजर के फेमस सीन कौन कौन से हैं, तो सीजर्स असेसिनेशन, दूसरा एंटोनियोज फ्यूनरल ओरेशन सीन, और तीसरा बैटल, कौन सा, बैटल। अब यहां पे असेसिनेशन का मतलब होता है सीजर की हत्या, सीजर्स असेसिनेशन सीजर की हत्या, दूसरा एंटनी का अंतिम संस्कार का दृश्य, एंटनी का अंतिम संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार आप समझती हो ओके, जब अर्थी निकलती है ओके, और दूसरा युद्ध का दृश्य। ये तीनों दृश्य बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आगे इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम और भी कमेंट को पढ़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं तो अगला कमेंट हमारा क्या है, बी ऑनर ही इज सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी, यानी कि बी ऑनर ही इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी, मेरी कहानी का विषय मान सम्मानीय, इसका अर्थ क्या हुआ, मेरी कहानी का विषय मान सम्मानीय है। ये दोस्तों एक्ट फर्स्ट में बोला जाता है, सीन सेकेंड होता है कैसियस के द्वारा, और कैसियस सेज टू ब्रूटस, कैसियस सेज टू ब्रूटस, एक कथन नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में कैसियस द्वारा
ब्रूटस को कहा जाता है कि जितना वह मौत से डरता है उससे कहीं अधिक वह मान सम्मान को प्यार करता है। जितना वह मौत से डरता है उससे कहीं अधिक वह मान सम्मान को प्यार करता है। और कैसियस उसे विश्वास दिलाता है कि जो कुछ वह कहना चाहता है वह मान सम्मान से संबंधित है। ऐसा कहकर यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि जो ब्रूटस वह जो होता है वो ब्रूटस को सीजर के विरुद्ध भड़काता रहता है। कौन ब्रूटस को किसके विरुद्ध भड़काता है? सीजर के विरुद्ध। कौन? कैसियस। कौन? कैसियस। ध्यान रखना कैसियस इस स्टेटमेंट में कैसियस ब्रूटस को सीजर के विरुद्ध भड़काता है। तो हमने पूरा कहानी बता दी इसकी। अगला स्टेटमेंट क्या है? बड़ा सा स्टेटमेंट है थोड़ा। कैसियस हैज अ लीन एंड हंग्री लुक सच अ मैन एज ही बी नेवर एट अ हॉर्स इज वाइल्स ओके दे बीहोल्ड अ ग्रेटर देन देमसेल्व्स ओके। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है समझिएगा। थोड़ा सा मैंने क्या बताया, बड़ा सा है। बीहोल्ड अ ग्रेटर देन देमसेल्व एंड देयर फोर। ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक आ गया है, इसे कट कर दीजिएगा। एंड देयर फोर आर दे वेरी डेंजरस। अब हु मेड द अबव कमेंट एंड टू होम, क्वेश्चन हमारा ये है यहाँ पे। यानी कि इस अबव कमेंट को कौन कहता है और किससे कहता है? व्हाट मोर डिड ही से अबाउट कैसियस। अब वो कैसियस के बारे में और अधिक क्या कहता है तो समझिए इसको। यानी कि जो कैसियस के छिड़काए व भूखी दृष्टि है जिसे कभी संतुष्टि महसूस नहीं होती, ऐसे लोग सदैव अधिक का दिखावा करते हैं और काफ़ी खतरनाक होते हैं। यहाँ पर कैसियस के बारे में बताया गया। तो आंसर इसका सुन लीजिएगा। आंसर क्या है कि जो सीजर होता है, सीजर मेड दिस कमेंट टू एंटोनियो। ए कमेंट कौन करता है? सीजर करता है। किसको करता है? एंटोनियो को करता है। सीजर ने एंटोनियो से यहाँ पर कहा है कि कैसियस आदमी के कार्यों को गहराई तक भांप लेता है। कैसियस जो है वो आदमी के कार्यों को गहराई तक भांप लेता है, ऐसा कहा उसने। किसने? सीजर ने। सैड डेट कैसियस वाज अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड ही लुक थ्रू द डीड्स ऑफ मैन। अगला नेक्स्ट हम अगर हम बात करें 11 नंबर की, तो अगला कौन सा? लिबर्टी वाला। यानी कि अब लिबर्टी में क्या है दोस्तों? लिबर्टी फ्रीडम ट्रैनी इज डेड रन हेंस ओके प्रोस क्लेम क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट। यानी कि स्वतंत्रता और ट्रैनी क्या होता है? निरंकुशता, जिसके शासन पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके। इज डेड, ये सब खत्म हो गए, दौड़ो यहाँ से, गली कूचों में आह्वान करो। तो ये जो सिन्ना ने ये शब्द बुदबुदाए, सिन्ना ने कौन होता है? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट कौन कहता है? ये शब्द जो है वो सिन्ना द्वारा कहे जाते हैं। पहली चीज यानी कि सिन्ना उत्तर दीज वर्ड, इन शब्दों का उत्तर कौन देता है? सिन्ना। तो जब सीजर का वध कर दिया गया ये उस समय कहा जाता है, और उसका मृत शरीर पोम्पी की प्रतिमा के समीप पड़ा था, और उसका जो मृत शरीर था सीजर का वो पोम्पी की प्रतिमा के करीब पड़ा था। तो एक बार इसके आंसर को देख लीजिएगा। सिन्ना उत्तर दीज वर्ड्स When सीजर इज मर्डर्ड, जब सीजर का मर्डर कर दिया जाता है और उसकी बॉडी होती है वो लाइज इन द फीट ऑफ पोम्पोइज स्टैचू, जो पोम्पे की स्टैचू बनी हुई होती है उसके नीचे सीजर का मृत शरीर पड़ा होता है, तब सिन्ना ये शब्द बोलता है। अगला स्टेटमेंट दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, हम सभी आज इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ही लेकर आए हैं। ये स्पीच बस इतनी ही स्पीच तैयार करके जाइएगा, यहीं से कोई ना कोई अगर स्पीच आई तो फंस जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच को मैंने डिस्कस कर दिया ओके। हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट
so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. माफ़ करना दोस्तों, आज खांसी बहुत आ रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज एक वीडियो बना दूँ। इसमें क्या होता है, उसका जीवन सरल था, उसमें तथ्यों का सम्मिश्रण इतना गहरा था कि प्रकृति साकार होकर संसार से कह सकती है कि यह वास्तव में एक इंसान था। अब इसका मीनिंग समझिएगा, ये तो एक लिटरल मीनिंग हमने आपको बता दिया, अब इसको जरा डिटेल करते हैं दोस्तों। उसका जीवन तो सरल था, ये एक्चुअली होता क्या है, जो एंटोनियो मेड दिस रिमार्क और वेन ब्रूटस डाइड इट रेफर टू ब्रूटस, यानी कि ब्रूटस की मृत्यु पर ये टिप्पणी एंटोनी द्वारा की गई। फिर रिपीट करता हूँ, ब्रूटस की मृत्यु पर ये कमेंट एंटनी द्वारा किया गया, तो कोई पूछे ये रिमार्क किसने किया, एंटनी ने। किसके लिए किया, ब्रूटस की मृत्यु पर किया। ओके, इट रेफर टू ब्रूटस, और ये ब्रूटस की ओर ही ये पूरा का पूरा कमेंट इनका संकेत करता है। अगला दोस्त, ओ सेटिंग सन दिस इन दाई रेड रे दाउ डोस्ट सिंग टू नाइट, सो इन हिज रेड ब्लड कैसियस डे इज सेट। हे छिपते हुए सूर्य, जैसे तुम आज रात को अपनी लाल किरणों में डूब जाओगे, उसी तरह कैसियस का जीवन उसके लाल रक्त में विलीन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया और किसके लिए कहा गया। हे छिपते हुए सूरज, तुम क्या कहा, हे छिपते हुए सूरज तुम आज रात को अपनी लाल किरणों में डूब जाओगे, उसी तरह कैसियस का जीवन भी लाल रक्त में विलीन हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो टिटेनियस के द्वारा, किसके द्वारा, टिटेनियस के द्वारा कहा जाता है। और कब कहा जाता है, ये टिप्पणी उस समय की जाती है जब उसने मैसाला ने, यानी कि जब उसने, यानी कि वह और एक कैरेक्टर और मैसाला फाउंड कैसियस डेड, यानी कि कैसियस को मृत पाते हैं, तो उस समय उनके मुंह से ये टिप्पणी निकलती है। अगला दोस्तों, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटस, ओके बीट्स And men have lost their reasons. हे न्याय, तू जंगली जानवरों के पास भाग गया है और इंसानों ने अपने विवेक को खो दिया है। दोस्तों ये स्टेटमेंट, हे न्याय तू जंगली जानवरों के पास, हे न्याय तू जंगली जानवरों के पास भाग गया है और इंसानों ने अपने विवेक को खो दिया है, ये कौन कहता है, ये सीजर के अंतिम संस्कार के समय दिए गए भाषण में, जब सीजर का फ्यूनरल स्पीच है एंटनी के द्वारा दिया गया है। और कब दिया जाता है, ही सेड दीज वर्ड्स, ही रेफर टू दी कंस, जो कॉन्स्पायरेटर्स होते हैं, जितने भी षड्यंत्रकारी होते हैं उनके लिए, अर्थात मैं ये सरल भाषा में कहें तो सीजर के अंतिम संस्कार के समय दिए गए भाषण में एंटनी ने ये शब्द कहे थे, और ये शब्द षड्यंत्रकारी थे, कॉन्स्पायरेटर्स थे, उनके लिए कहे गए। दोस्तों अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा बहुत थोड़ा सा बड़ा है, सब्र बनाए रखिए। रोमन कंट्रीमैन एंड लवर्स, हियर मी फॉर माई काज बी साइलेंट एंड यू मे हियर, बिलीव मी फॉर माई ऑनर, ओके एंड हैव रिस्पेक्ट टू माई ऑनर डेट यू मे बिलीव। हे रोम वासियो, देशवासियों और प्रियजनों, मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, और शांत रहो ताकि तुम सब सुन सको, मेरा विश्वास करो और मेरे विश्वास का सम्मान करो ताकि तुम सब विश्वास कर सको। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो ब्रूटस द्वारा कहा जाता है, इन शब्दों को जितने ऊपर शब्द हमने बोले ये सभी शब्द ब्रूटस द्वारा कहे जाते हैं। और कब कहे जाते हैं, जब ही असेंडेड द प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लेन द रोमन भाई सीजर वाज मर्डर्ड, यानी कि जब उसे रोम वासियों को समझाने के लिए मंच मिल गया कि सीजर की हत्या क्यों की गई, तब इस स्टेटमेंट को दोस्तों बोलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। हम इसकी हिंदी स्टोरी को साथियों इसके पार्ट सेकेंड में डिस्कस करेंगे,
तो इसका दूसरा भाग देखना मत भूलिएगा। ओके, दूसरे भाग में हम इसकी पूरी की पूरी हिंदी स्टोरी को लेकर के आएंगे, वो भी एकदम हिंदी में, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।